To be here, one final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूं, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, द फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड, द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा. Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the chief athletics coach of the Indian contingent, to come on stage, please. Neeraj, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे. आपने सुन लिया है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए. सबसे पहले तो हेलो बोल रहा है. सबसे पहले वो सभी का नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया. और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है. और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को. मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं, ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पर. लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थरो लगी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा. और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में. क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है, तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत. एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है. और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते. अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस. यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे. एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एंबेसडर. जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे. मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे. तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है. नीरज, मैं क्या बोलूँ, यू हैव मेड आर यू नो हार्ट्स रियली ग्रो फॉन्डर, यू हैव मेड आर चेस्ट स्वेल विद प्राइड, और आई थिंक यू आर मेड फॉर टीवी. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. यू आर गोइंग टू बी इनंडेटेड विद फोन कॉल्स, बट थैंक यू वंस अगेन फॉर अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस द वे ही. एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है. और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है. मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी, एक जो जज्बा, जनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है. और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है. लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी,
तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. यू कैन टेक योर सीट. थैंक यू. लास्ट बट